हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, और जिसमें हम करने जा रहे हैं ब्लाउज कटिंग। और इस ब्लाउज का मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है। इसकी लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 38 और कमर है 34 इंच। बेल्ट का ब्लाउज जो हम तीरा भी बोल देते हैं उसको बेल्ट भी बोलते हैं, वो तीरा वाला ब्लाउज बनाना है। और इसका ये ब्लाउज हमें अस्तर का ब्लाउज बनाना है, तो हम सबसे पहले इनर की कटिंग करेंगे। तो ये जो मैं जिस पे मार्क कर रही हूँ ये इनर है, तो इसके सबसे पहले मेजरमेंट के लिए मुझे 14 इंच तैयार करना है। तो मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके ये 15.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब हमें लेना है इसका तीरा, तो इसका डीप गला होने की वजह से मेरा इसका बैक गला 10 इंच का है, तो मैं इसको 5.5 इंच तीरा लूँगी और मुड्डा लूँगी 6 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा हम बढ़ा के। तो ये इस प्रकार से हमारे मुड्डे का निशान भी लग गया है। अब आ गया फिटिंग का, तो ये मैं 9.5 पे फिटिंग का निशान लगा दूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। 1.5 इंच के निशान लगा कर हम पिछले पार्ट की गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा बैक पल्ले पे सारे निशान लग के रेडी हो गए हैं। अब आती है गले की बारी, तो मैं 2.25 इंच का गला ऊपर से और 2.75 इंच नीचे से ले लूँगी, क्योंकि जब गला बड़ा होता है तो बैक गला फैल जाता है, इसलिए मैं गले की ब्रॉड कम लूँगी। वरना हम 3 इंच 3.75 भी ले लेते हैं। नहीं, इसकी मैं ली है 2.25 और नीचे से लिया 2.75, तो नीचे थोड़ा गोल अच्छा होगा और इस पर बैक हुक लगेंगे। और ये हमारे बैक पार्ट के सारे मार्क्स रेडी हो गए, तो चलिए कटिंग करते हैं। अब इसी पार्ट को सेम उठा के हम दूसरी तरफ रख देते हैं, जो हमें बनाना है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के निशान बाद में मार्क करेंगे, क्योंकि अभी इसी लेंथ से हम काट लेंगे। और जो आगे का पार्ट हमें 15.5 किया था, तो बैक हम 16.5 करेंगे, क्योंकि इसमें जब बेल्ट लगती है तो आधा इंच नीचे ऊपर एक्स्ट्रा चला जाता है। तो मैं जब ये 15.5 था, तो इसको अब मैं 16.5 पे मार्क करूँगी। ये इस प्रकार से हमारे 16.5 के निशान लग के रेडी हो गए। अब इस पे हम जो हमारे बेल्ट, जिसको मैं बता रही थी कि इसको तीरा या बेल्ट बोलते हैं, वो मार्क करेंगे। तो जब गले की तरफ से 12.5 पे और जो नीचे बचा उसको देखेंगे, ये 4 इंच, तो बगल की साइड से हम 1 इंच डाउन करके, वो उधर 4 था तो इधर 3, और ये एक सेफ पट्टी है मेरे पास, तो उसकी सहायता से मैं इस बेल्ट का निशान मार्क कर दूँगी, जिससे कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये ये जो तीरे का निशान है बहुत सुंदर लगा है। अब हमें इस पर जो हमें प्लेट डालनी है उसका निशान लगाना है, तो ऊपर से 10.5 पे और साइड से 3.5 पे। तो ये हमारी सेंटर प्लेट पड़ गई। इसके बाद 2-2 इंच के गैप पे हम साइड की प्लेट डालेंगे। अगर हमसे गोलाई नहीं आती है तो हम एक चूड़ी की सहायता से डाल सकते हैं, तो वो मैं डाल के दिखाऊँगी। ये डीप कटिंग के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं अंदर के गले की तरफ, साइड प्लेट का सेंटर करके, और ये हम इससे मिला देते हैं। तो ये देखिए मैं कड़े की सहायता से कैसे इसका, ये प्लेट डालने का सबसे आसान तरीका होता है कि हमारी सी बन जाए। इससे सी बनने से ये देखिए, तो अब इसके निशान में इसकी प्लेट बहुत अच्छी बन के आती है अगर हम इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ से 6 इंच पे और नीचे से वही 2 इंच पे निशान लगा के इसको हम मिला देते हैं। ये हम डीप कटिंग दे देंगे। इस प्रकार से ब्लाउज के सभी मार्क्स लग के रेडी हो गया है। और उस तरफ मैंने थोड़ा डार्क कर दिया था, तो इस तरफ भी छप गया है। ये हमारे सभी मार्क्स लग के रेडी हो गए। अब इसको मैं मेन फैब्रिक पे रख लूँगी। अब इसमें डिजाइन ऐसा उल्टा सीधा नहीं है, एक जैसा है, तो मैं इसको दोनों को अल्ट पल्ट करके रख लूँगी। तो ये मैंने दोनों फैब्रिक अल्ट पल्ट करके रख लिए है। ये आधा मीटर में ही ब्लाउज बन के रेडी हो जाएगा। बाजू इसकी बिल्कुल 2 इंच की ही लगानी है, यानी कि समझो कि स्लीव कट ही होगा ये, बस 2 इंच की बाजू लगेंगे इस पर।
और हम बैक पार्ट पे प्लेट निशान लगाना भूल गए थे, तो साइड से 4 इंच और ऊपर से सेम 10.5 इंच पे ही लेके और ये हम बैक प्लेट का निशान लगा देंगे।